नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र छाबड़ा शिव जॉब कंसल्टेंसी करनाल से आज आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जो पर्सन कैथल के अंदर जॉब करना चाहते हैं और कुरुक्षेत्र के अंदर जॉब करना चाहते हैं, सोनीपत के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है और करनाल वासी के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं आज की डेट के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि एक्चुअली 2 दिन मेरी फैमिली में मैरिज फंक्शन था तो इस करके मैं आपसे नहीं जुड़ पाया था। तो आज की वैकेंसी मैं आपको बताना चाहूँगा, SBI बैंक के अंदर मेरे पास रिक्वायरमेंट आ चुकी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। जो पर्सन बैंकिंग के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहते हैं, SBI बैंक के अंदर मेरे पास फ्रेशर का जो पैकेज रहेगा 2.5 लाख तक का पैकेज रहेगा। ग्रेजुएट पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल पर्सन और फीमेल पर्सन। जो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताना चाहूँगा, कैथल के लिए जो पर्सन कैथल के लिए ग्रेजुएट पर्सन है अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने अपने वीडियो के अंदर नंबर दिया है, इस पर जाकर अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर बैंक से अपॉइंटमेंट लेके दे दूंगा। दूसरी वैकेंसी मैंने आपको बताई है कुरुक्षेत्र के लिए, उनके अंदर भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है HDFC बैंक के बैंकिंग के लिए, बैंक का चैनल के लिए, और SBI बैंक के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है। तो ये दोनों के अंदर मेरे पास इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रिक्वायरमेंट है और पैकेज आपका 3.5 लाख तक का आपका फ्रेशर का पैकेज रहेगा। जो पर्सन इसको अप्लाई करना चाहते हैं, आपके अंदर मैनेजर लेवल की पोजीशन मिल जाएगी, अपने टीम से वर्क करवाना है और कुछ भी नहीं करना है। जो पर्सन इंटरेस्टेड है या किसी को इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस हो 6 मंथ का या 4 मंथ का, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेल एजुकेटेड पर्सन अप्लाई करना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सोनीपत के अंदर वैकेंसी आई हैं वो मेरे पास काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हैं, क्योंकि सोनीपत की मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रही हैं बच्चों की। तो पहले आपको वैकेंसी में आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेरे पास कंपनी से टाई अप हुआ है, उस कंपनी के अंदर मेरे पास 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पर्सन है जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं एक लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक सैलरी आपकी 11,500 रुपये रहेगी, 8 आवर्स की शिफ्ट रहेगी और उसमें आपको लंच फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। जब आप आफ्टरनून में जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आपको नाइट शिफ्ट भी मिल जाती है और आपको लंच फैसिलिटी और डिनर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ये लोकेशन आपको कुंडली के अंदर और राय के अंदर मिलेगी। और इसके अलावा मेरे पर लेटेस्ट वैकेंसी आज की डेट के लिए निकली है, जो पर्सन कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब करना चाहती है, फ्रेशर पर्सन हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सोनीपत के लिए आज मेरे पास 10 से 12 कंपनियों के अंदर वैकेंसी निकली है। ग्राफिक डिजाइनर के लिए मेरे पास फ्रेशर रिक्वायरमेंट आई है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फीमेल लड़की और मेल पर्सन जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। और परचेज एग्जीक्यूटिव के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, जिस पर्सन को परचेज एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस हो तो वो इसको अप्लाई करें, क्योंकि उनकी सैलरी 15,000 रुपये से स्टार्टिंग रहेगी। और इसके अलावा एक फार्मा कंपनी में मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, उसके अंदर आपको एज ए टेलीकॉलर का काम करना रहेगा, पार्टी से ऑर्डर लेने का काम रहेगा। और भी काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इसके अंदर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 5 से 6 लड़कों की रिक्वायरमेंट है। बेसिक उनको प्रिंट आउट का निकालने का काम रहेगा और डाटा एंट्री का वर्क रहेगा और बेसिक सैलरी उसके अंदर 14,000 रुपये तक की सैलरी आपको मिल जाएगी। ये लोकेशन सेक्टर 14 की आपको मिल जाएगी, जैसे कि मुझे लोकेशन बताई है। बाकी आप उन्होंने मेरे को CV मांगा है, पहले जब आप मुझे CV फॉरवर्ड करते हैं तो मैं आपको टाइम लेके आपका इंटरव्यू कनेक्ट करवा दूंगा। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बजाज कैपिटल के अंदर मैंने पहले वैकेंसियाँ बताई थी, उसकी मैं आपको लोकेशन भी बताना चाहूँगा, एटलस चौक की उनके पास नियर बाई लोकेशन मिल जाएगी। जो पर्सन डाटा एंट्री के साथ बैकएंड प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएट पर्सन हो तो उसको इंडोर सेल्स के लिए आपको वर्क मिल जाएगा। और काम क्या करना रहता है कि कस्टमर आपके पास खुद आएंगे, आपको डीलिंग करनी है और बेसिक सैलरी 14,000 रुपये मिल जाएगी। आप बजाज कैपिटल आलियंस भी लिखते हैं इन सोनीपत लिखेंगे तो उनकी ब्रांच का नाम आपके पास आ जाएगा। जो नियर लैंडमार्क आपको मैंने बताया वो एटलस चौक की आपको लोकेशन मिल जाएंगी। और बाकी प्राइवेट ऑफिस के अंदर मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट निकली है, जो क्लिनिक के लिए या ANM या GNM या हॉस्पिटल के अंदर जॉब करना चाहती हैं तो वो भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आ चुकी है। जिस पर्सन ने GNM की हो या किसी ने MBBS डॉक्टर का एक्सपीरियंस हो तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी जो लार्ज CTC है हॉस्पिटल के अंदर, उस हिसाब से आपका पैकेज मिल जाएगा। और जो मेरे पास अभी काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है वो करनाल के लिए आई है, तो आपको करनाल की वैकेंसी बताना चाहूँगा, वो बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि +2 पास और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी लेके आए हैं जो कि बहुत ही स्पेशल है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको जो भी वैकेंसी बताता हूँ अभी एड्रेस बताता हूँ अपने करनाल वासियों के लिए। तो पहले मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, वो एक हनु के नाम से कंपनी है, IT कंपनी है।
इसके अंदर मेरे पास हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए रिक्वायरमेंट आ चुकी है। जो पर्सन हार्डवेयर नेटवर्किंग के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक सैलरी 14,000 से 15,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है, और जिस पर्सन को हार्डवेयर इंजीनियरिंग या लैपटॉप के बारे में नॉलेज है, अप्लाई करना चाहते हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे मेरे पास बैकएंड प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट आई है एज ए टेक्नीशियन के तौर पे। जिस पर्सन को टेक्निकल लेवल पे नॉलेज हो, सोलर पैनल के बारे में नॉलेज हो या बिजली के बारे में नॉलेज हो, वो इसको अप्लाई करे। ये लोकेशन आपको मैं तलवार चौक की दे दूंगा, नियर SBS स्कूल मिल जाएगा। गायत्री कंप्यूटर के नाम से ये ऑफिस है, इसके अंदर आप अप्लाई करें, मेधा मैडम मिलेंगी। कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर इस वीडियो के अंदर दे दिया है। दूसरी वैकेंसी मैं आपको रिलायंस के अंदर बताना चाहूँगा, जो रिलायंस लाइफ के अंदर इंश्योरेंस के अंदर जॉब करना चाहते हैं। ये लोकेशन आपको SBI बैंक, आपने नाम सुना ही होगा, मटका चौक की इसको लोकेशन मिल जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पर आप जाइएगा, यहाँ पर योगिता मैडम मिलेंगी, इनसे आप जाके मिलते हैं। इनको 3 लड़कियाँ अच्छी हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्वायरमेंट है सीटिंग जॉब के लिए, और इसकी जो सैलरी रहेगी वो आपका 2,80,000 से लेकर 3,80,000 तक आपको पैकेज मिल जाएगा। और आपको एज एजेंट बनाने होते हैं या उनसे वर्क करवाना है, एज ए बैंकर चैनल के थ्रू आपको हायर कर लेंगे। तीसरी वैकेंसी मैं आपको HDFC बैंक के अंदर बताना चाहूँगा, ये लोकेशन सेक्टर 12 की है। इसके अंदर आपको लोन डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है, और जसविंदर सर से मिलना चाहेंगे, इनकी सेक्टर 7 के अंदर भी ब्रांच है और सेक्टर 12 के अंदर भी ब्रांच है। जैसे ही आपके ऑन दिस विजिट वो मिलने अवेलेबल्स होंगे सेक्टर 7 में या सेक्टर 12 में, वो मैं आपको कंफर्मेशन कर दूंगा, आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर होम लोन, लैब लोन और पर्सनल के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चौथी आपको वैकेंसी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत ही स्पेशल है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अपने शहरवासियों के लिए विद कंपनी नेम विद एड्रेस बताता हूँ, आप जाओ अप्लाई करें। और ये वैकेंसी मैं आपको लेटर्स बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जितना मेरे से होता है मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूँ। और आपको जो वैकेंसी अभी मैं बताने जा रहा हूँ जी लैब के बारे में, आपको मैं बताने जा रहा हूँ जी लैब के अंदर एज ए मेरे पास बैकएंड प्रोफाइल के लिए, HR प्रोफाइल के लिए और एज ए टेलीकॉलर प्रोफाइल के लिए तीनों रिक्वायरमेंट आ चुकी है। टेलीकॉलर प्रोफाइल के लिए मेरे पास लड़कियों की डिमांड है, इसकी सैलरी 15,000 से 20,000 रुपये तक की रहेगी। और जो इनका बैक ऑफिस या HR प्रोफाइल में इनको एक्सपीरियंस है वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो चाना झील की आपको लोकेशन मिल जाएगी। जिस पर्सन ने बैक एंड एग्जीक्यूटिव में काम किया वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको पांचवी कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, एक्जॉन लाइफ साइंस, ये एक फार्माकल्स कंपनी है और भी मेरे पास कलर लाइफ साइंस फार्मा कंपनी है। इसके अंदर मेरे पास बैकएंड प्रोफाइल में रिक्वायरमेंट है, जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी में फार्मा कंपनी में जॉब की हो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फार्मा कंपनी में किसी भी फील्ड में काम किया हो, परचेज एग्जीक्यूटिव में, बैकएंड प्रोफाइल में, सैलरी टेलीकॉलर प्रोफाइल में, एज ए मार्केटिंग प्रोफाइल में या MR प्रोफाइल में, तो ये सारी वैकेंसी इनके पास अवेलेबल्स हैं। पैकेज आपका जो आप ले रहे हैं फार्मा कंपनी में उससे अच्छा हाइक मिल जाएगा। टाइमिंग आपकी 9:30 to 6:30 आपको मिलने वाली है। और जो मैं आपको लास्ट कंपनी आपके मैं बताना चाहूँगा वो एक हमारे नॉन की भी कंपनी है, वो गुडविल प्रिंट पैक कंपनी है। इस कंपनी के लिए मेरे पास एक सुपरवाइजर के लिए रिक्वायरमेंट है। टाइमिंग आपकी जो मिलेगी 9 से 9 की मिलेगी, +2 पास पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी टाइमिंग रहेगी मैंने आपको बता दिया है, काम आपको मैं बता देता हूँ, लोकेशन आपको सेक्टर 3 की मिल जाएगी। इस कंपनी के अंदर हमें एक मार्केटिंग वाला लड़का चाहिए जो हमारे बैंक के कंपनी का काम कर दे, चेक लगाने का काम रहता है, प्लस लेबर होती है, उनको सुपरवाइजरी का काम करना है, और फोर्थ काम उनका बैंक का काम करना होता है, चेक चुक लगा के आने का काम रहता है, या नॉर्मली वर्क करने का काम आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको नॉर्मली वर्क करना है, मार्केटिंग वाला का काम करना है, प्लस सुपरवाइजरी काम करना है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी 12,000 रुपये रहेगी। और आपको ऐसी वैकेंसी डेली वाइज मैं आपको देता रहूँ तो मेरे चैनल पे जो नए आए हैं इसको लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें क्योंकि मैं आपको डेली वाइज अच्छी वैकेंसी मैं बताते रहता हूँ। और जो आखिरी कंपनी है उस कंपनी के बारे में पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो मैं आपको वैकेंसी बताऊँगा वो आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैमरे की कंपनी होती है, हमारे पास कैमरे की कंपनी के लिए +2 पास या कम पढ़े लिखे हैं वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक CCTV कैमरे की कंपनी से टाई अप हुआ है, वो आपको बिजनेस में भी काम आ सकता है, जब आप कम पढ़े लिखे हैं तो वो आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा क्रेज है उसका, जब मेरा माने तो, क्योंकि आने वाले टाइम में हर किसी घर में कैमरा भी लगेगा, अभी भी लगने लग चुके हैं, और कैमरे देखो लगते हैं तो ख़राब भी होते हैं। कम पैसे में आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट पॉइंट है, तो वो कंपनी आपको काम सिखाने के आपको सैलरी देती है, बाइक का खर्चा आपको देगी, लोकेशन आपको सेक्टर 13 और मुगल नाल की आपको मिल जाएगी। वो आपको सिखाने के अभी 9 से 10,000 रुपये दे रहे हैं, बाइक का खर्चा आपको दे रहे हैं। आप इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं जो पर्सन सिखाने के इतने पैसे दे रहे हैं
जो आप काम सीख जाओगे तो कितनी डिमांड से रहेगी। ये लोकेशन आपको सेक्टर 13 की और मुगलनार की आपको मैं दे दूंगा। जो पर्सन इंटरेस्टेड है तो मैंने अपने वीडियो के अंदर अपना नंबर दिया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये लोकेशन मैं आपको मुगलनार की बताई, इसमें 3 से 4 लड़के अप्लाई करना चाहें तो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अपना बिजनेस के तौर पर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं आपको डेली वाइज वैकेंसी भी बताता रहता हूँ और आपको फ्यूचर का आइडिया भी देता रहता हूँ कि आप क्या काम करें जिससे आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। और कंपनी फार्मा की कंपनी मैंने आपको बता दिया है। सबसे बेस्ट एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो बैठ के स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, तो कोरियर डिलीवरी का भी काम बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि देखो आज के टाइम में हर कोई ऑनलाइन मंगवाता है तो पार्सल वगैरह भी करवाता है, तो ये जैसे DHL ब्लू डार्ट के नाम से, अमेजोन फ्लिपकार्ट के नाम से ऐसे जो सर्विस चल रही हैं, ऐसे हमारे पास कोरियर सर्विस कंपनी है जिसके अंदर हमें डिलीवरी बॉय के तौर पे पिकअप बॉय के लिए भी रिक्वायरमेंट है और ऑर्डर देने के लिए भी रिक्वायरमेंट है और लेने के लिए दोनों, मतलब डिलीवरी बॉय भी चाहिए और पिकअप बॉय भी चाहिए, प्लस रिसेप्शन के लिए लड़का भी चाहिए जो पर्सन पर्ची काट सकता हो, अपना पैकिंग का काम करना चाहता हो। तो ये तीनों वैकेंसियाँ मेरे पास अवेलेबल हैं। बेसिक सैलरी आपको 10,000 रुपये आपको मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट आपको क्या आइडिया चाहिए वो मेरे से आप सजेस्ट कर सकते हैं। जिस किसी ने IT कंपनी में जॉब करनी है तो मेरे पास विप्रो कंपनी के अंदर, जैसे आपने नाम सुना होगा, यूनिसिस कंपनी है, ब्रांड कंपनियां हैं, ये NCR की तरफ की मेरे पास रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो मैं अपनी तरफ से जो मेरे ब्रदर CA हैं मैं उनसे भी उनका कॉन्टेक्ट करवा सकता हूँ और उनकी जॉब दिलवाने में उनकी मेहनत कर सकता हूँ। उनको इंटर्नशिप करनी है तो वो भी मैं आपकी करवाने की हेल्प करवाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी बहुत स्ट्रगल करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बाकी आप सबका प्यार है, देखो जितनी मेरे से होगा मैं आपको वैकेंसी डिलीवरी बताता रहता हूँ, विद एड्रेस बताता हूँ। तो आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे अपना कमेंट में मैसेज जरूर डालें। और आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे 2 दिन से मेरे ब्रदर की मैरिज थी तो मैं वीडियो पर नहीं आ पा रहा था, ना मैं किसी को टाइम दे पा रहा था, तो उसके लिए वेरी सॉरी। लेकिन अभी मैं आपसे डेली वाइज आपको डेली वाइज मेरी तरफ से वीडियो मिलती रहेगी, आपको भी एड्रेस भी दूंगा। अब मैंने आज सोनीपत की वर्किंग करी थी तो मैंने सोनीपत की काफ़ी सारी वैकेंसियाँ बताई हैं। यमुनानगर के लिए भी मेरे पास अभी कल से मैं वर्किंग कर दूंगा जो पर्सन यमुनानगर से हैं। और बाकी कुरुक्षेत्र के लिए भी मैंने आपको वैकेंसियाँ बता चुका हूँ, कुरुक्षेत्र के लिए SBI बैंक के लिए, HDFC बैंक के लिए और कैथल के लिए। मेरे पास SBI बैंक का जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसके अंदर बहुत अच्छा हैंडसम आपको पैकेज मिल जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, मैंने अपने वीडियो के अंदर अपना नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको अच्छा पैकेज दिलवाने में आपकी हेल्प करूँगा। आप खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दे दूँगा कि किन पर्सन से आपको मिलना है, डायरेक्टली आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।